बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स। आज हम पेज नंबर 25 पे हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर लॉन्ग क्वेश्चन, आज हम वो करेंगे। सूरत पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक पे जस्ट आपने रीडिंग बुक पे सॉरी मार्क करने हैं और आपने इसकी लर्निंग करनी है, नोटबुक पे राइट नहीं करने। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, सूरत अलम नशरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इत्मीनान दिलाया गया। पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है, इस सूरत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिला रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हों, ये मुश्किल दौर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन व सुकून मैसर होगा, यानी हासिल होगा, और अनकरीब यानी बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ अता करेगा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश और मुतमिन हो जाएगा। यह है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सूरतुल कद के हवाले से शब कदर का तारुफ करवाएं। पेज नंबर 22 पे इसका आंसर है, बताया गया है कि कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में एक बाबरकत रात में नाजिल किया जिसे शब कद्र कहते हैं। शब कद्र के मायनी है अजमत वाली रात। शब कद्र की शान बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस रात की जाने वाली इबादत हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस मुबारका है, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से शब कद्र में अल्लाह ताला की इबादत करे तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यह है सेकंड क्वेश्चन। अब है थर्ड क्वेश्चन, असफला साफिलीन के दर्जे पर लौटाने से क्या मुराद है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 3, तमाम मखलूकात में अफजल तरीन मखलूक बनाया, यानी कि यहाँ पे इंसान की बात हो रही है कि इंसान को तमाम मखलूकात में अफजल तरीन मखलूक बनाया और मनसब खिलाफत यानी खिलाफत के दर्जे से सरफराज किया, यानी ये उहदा उसे अता किया। इन सब नियमतों के बावजूद जब इंसान अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब करता है और अल्लाह की नाफरमानी करता है तो वो निचली तरीन सतह पर पहुँच जाता है। इस सूरत हाल से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक अमाल करते हैं। यह है असफला साफिलीन के दर्जे पर उठाने से मुराद। फिर उसके बाद है सूरत 3 की तशरीह करें। यह है हमारी सूरत 3 और पेज नंबर 21 पे ये जो है इसका ये जो मफहूम दिया हुआ है, यानी कि ये इसकी तशरीह है, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 21 से स्टार्ट होगा और ये इसका कंप्लीट मफहूम आएगा, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट हमारा मफहूम आएगा। इसको मैंने इसलिए रीड नहीं किया कि ये पहले भी आपको रीड करके बताया हुआ है, समझाया हुआ है, लेकिन फिर अगर किसी को समझने में समझ ना आए किसी बात की तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।